पावर किट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साउथर्न रीजन में रिक्रूटमेंट आई है। इसमें डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के 30 पोस्ट पर बहाली आई है, जिसमें अनरिजर्व का 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी का 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 3 पोस्ट है, और आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उसमें दो, एक जो है आपका एचएच के लिए है और एक जो है आपका ओएच के लिए है, और 4 आपका एक्सर्विसमैन के लिए है। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व का 3 पोस्ट है, ओबीसी का 1 पोस्ट है, एससी का 1 पोस्ट है, और आपका एक्सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन भी करके रखा तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर अगर आपने सिर्फ हायर क्वालिफिकेशन करके रखा है, डिप्लोमा नहीं किया, तब इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो जनरल के कैंडिडेट है आपका 27 साल तक के जनरल के और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल तक के ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 32 साल तक के एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपका जो डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा के बाद जो डिग्री होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। दूसरा नंबर जो पोस्ट आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, इसमें भी आपका डिप्लोमा 3 साल का मांगा गया है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन करके रखा है डिप्लोमा के बाद तब इसके लिए एलिजिबल है। इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग भी मांगा गया, और इसमें जो है जनरल के और ईडब्ल्यूएस के 27 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं, और 30 साल तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 32 साल तक के लिए एससी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट है एनसीएल, उसमें 3 साल का आपका रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है एज में, एसटी से कैंडिडेट को 5 साल का, ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया जा रहा कुछ भी, और आपका एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को 3 साल का दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को 6 साल का, और एक सर्विसमैन एससी एसटी को आपका 8 साल का दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसी में होगा, और आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा। इसमें 2 पार्ट होगा, पार्ट वन में आपका जो है प्रोफेशनल नॉलेज जो रहेगा या टेक्निकल नॉलेज, उसका 120 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम होगा। पार्ट टू में आपका जो रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका वोकेबुलरी रहेगा, वर्बल कम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारा रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और एक मिस्टेक पे आपका 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना जरूरी है, और अगर जैसे 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें पर पार्ट में आपने 30% लेके आ गया तब भी इसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जो रिजर्व मीन्स आपका एस टी एस सी ई डब्ल्यू एस हैंडीकेप जो कैंडिडेट है उनको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आपने दोनों मिला के 25-25% मार्क्स भी लेके आया है तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप तब भी इसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। आपका जो सी बी टी एग्ज़ाम होगा आपका हैदराबाद और विजयवाड़ा 2 सेंटर में होगा। इसका जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है www.powergrid.com, इसी से आप लोग उनका आपका एमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। आपको मेल पे या फिर पोस्ट से आपका एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए जो आपका स्टाइपेंड रहेगा या सैलरी बोलिएगा 27,500 पर मंथ रहेगा, जिसमें आपका जो ग्रेड रहेगा ग्रेड 4 रहेगा आपका SI लेवल के हिसाब से सुपरवाइजरी कैटेगरी में। इसके लिए जो आपका फ़ी है 300 रुपये देना पड़ेगा। ST SC PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई फ़ी देना नहीं पड़ेगा, और इसका जो आपको अप्लाई करना है वो वेबसाइट www.powergrid.in, इसमें जाने के बाद आपको कैरियर सेक्शन वहाँ एक मिलेगा, वहाँ क्लिक करना, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी लिखा है उसमें क्लिक करना, उसके बाद ओपनिंग जो लिखा है उसमें क्लिक करना, उसके बाद साउथर्न रीजन लिखा रहेगा उसमें क्लिक करना, वहाँ फिर आपको रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल यहाँ पर आप उनको क्लिक कर देना है, उसके बाद आप उनको अप्लाई करना है वहीं पर ही से। आवेदन करने से पहले आपको जो है रिसेंट जो पासपोर्ट साइज कोजी KB का मतलब 50 KB तक का जो JPG फॉर्म रहेगा वो आपको पलर फोटोग्राफ बना के रखना है। आपको जो सिग्नेचर जो है उसको भी 30 KB तक का JPG फॉर्म बना के रखना है। आपका जो है जैसे SSC 10th का मैट्रिक का या फिर जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारा जो आपको 1 MB में PDF फॉर्म बना के रखना है।
आपका जो क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है जैसे डिप्लोमा का और सभी सेमेस्टर का, उसका भी आपको 10 MB तक आपका PDF बना के रख लेना है। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट PSUs में वर्क कर रहे हैं उनको 9 सर्टिफिकेट का बनाना पड़ेगा, वो भी आपका पेमेंट फॉर्मेट में। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका जो है वो को 1 MB तक PDF फॉर्मेट बनाना है। डिजिबल कैंडिडेट के लिए भी आपका डिजिबल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका PDF फॉर्म में 1 MB तक बनाना है। जब आप सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मेल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका लॉगिन आईडी रहेगा, पासवर्ड रहेगा। उसके बाद वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेके आपको जो जो पावर ग्रिड का जो ये है लिंक रहेगा उसमें क्लिक करने के बाद गो टू कैरियर में क्लिक करना, फिर वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी में क्लिक करना, फिर ओपनिंग्स में क्लिक करना, फिर रीजनल ओपनिंग्स में, फिर कंसर्न एडवर्टीजमेंट एंड कैंडिडेट लॉगिन में क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों को जो पेमेंट करना है, इसका ऑनलाइन आपका 9/6 मतलब आज से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 29/6/2021 तक है। और आपका जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो अगस्त का पहला वीक में या फिर आपका जो 22/8/2021 में दिया गया है तब तक हो सकता है, कोई श्योर नहीं है कि इसी डेट में होगा। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी आप लोगों को कुछ अगर डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और गाइस मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरा अभी तक 1,000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए नया नया वैकेंसी खोज खोज के डालूँ, तो मैं इसी तरह के आप लोगों के लिए वैकेंसी लाता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह की न्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, तो वहाँ पर ही आपको ऑल दिखेगा, तो वहाँ पर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वैकेंसी डालूँगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।